वेलकम बैक टू माई चैनल इस फूडी जेडी ब्लॉग्स। एंड आज बेसिकली एक डे ब्लॉग होने वाला है। मॉर्निंग हो गई है एंड मैं ये गर्म पानी पी रही हूँ जो ऑलमोस्ट मैं फिनिश कर चुकी हूँ। एंड बेसिकली डे ब्लॉग है, मतलब जिस दिन मैं सूट नहीं करती हूँ तो मेरा दिन कैसा जाता है एंड मैं क्या क्या करती हूँ, मतलब इतना जंक फूड खाने के बाद टू स्टे हेल्थी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, आपने लास्ट वीडियो में फूडी जेडी वाली वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। मतलब जब बहुत सारी मेहनत करते हैं उसके बाद अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो मतलब वो मेहनत उतनी फील नहीं होती है फिर। तो थैंक यू सो मच गाइज। एंड सबसे पहले तो मैं घर की सफाई करनी है एज यूजुअल, जो सारे घरों में होती है। एंड उसके साथ दिन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत वैसे गर्म पानी के साथ हो गई है, सो स्टे ट्यून गाइज। एंड या लाइक कर देना वीडियो को। One hour later. अभी लंच हो गया एंड आई एम मेकिंग दाल। तो लोग पूछते हैं मुझसे फूडी जेडी वाले ब्लॉग्स में, जब मैं दाल चावल खाती हूँ तो आप कौन सी दाल यूज़ करते हो। बेसिकली मैं मोस्टली चने की दाल यूज़ करती हूँ, चना और अरहर मिक्स, और मलका। मलका मैं इसलिए डालती हूँ थोड़ा सा जस्ट ताकि वो दाल गाढ़ी बने, और चना जो अरहर होती है उसकी मैं दाल बेसिकली मैं खाती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है। बट नॉर्मली घर में ये मिक्स दाल है, इसमें चना अरहर मलका और छिली भी उड़द बोलते हैं आई थिंक वो है, कभी कभी मूंग भी हम इसमें डालते हैं बट अभी नहीं डाल रहे हैं। यही सब चीज़ें डालने वाली हूँ मैं इसमें। तो जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं घर का बिल्कुल नॉर्मल खाना खाऊं, जैसे दाल भात हो गया। मोस्टली मैं रोटी सब्जी खाती हूँ, चावल नहीं खाती हूँ। बट आज मेरा दाल चावल खाने का मन है क्योंकि बहुत टाइम हो गया। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम कब खाया था, मैंने वीडियो में ही खाया था, जो मैंने फूडी जेडी में वीडियो डाली थी दाल चावल की, वही मैंने लास्ट खाया था। उसके बाद आज मैं बना रही हूँ। तो खाना खाने के बाद मैं अपने पॉकेट में ही 7-8 राउंड लगाती हूँ इधर से उधर इधर से उधर। एंड 7-8 राउंड लगाने के बाद मैं दीपू को अंदर से बुला लूँगी और दीपू और मैं बैडमिंटन खेलते हैं 30 मिनट। और जब दीपू चली जाती तो मैं भाभी के साथ खेलती हूँ 1 घंटा। एंड इसके बाद मैं चार किलोमीटर एक पार्क है, मतलब 4 किलोमीटर का है पूरा वो, उसमें वॉक करती हूँ, 1 राउंड लगाती हूँ। बट अभी जो है भाभी को काम है तो आज भाभी नहीं आएगी, तो दीपू के साथ ही खेलूँगी मैं। उसका 3 बजे ट्यूशन होता है तो ट्यूशन चली जाएगी, उससे पहले मतलब जितना भी टाइम है उसके साथ खेलूँगी। अभी मैं 10 मिनट 7 से 8 राउंड लगा लूँगी अपने पॉकेट के एंड देन दीपू को बुलाऊँगी, क्योंकि खाना खा के तुरंत उछलना, बैडमिंटन में उछलना पड़ता है तो ठीक नहीं रहता है, तुरंत नहीं उछलना चाहिए। तो मैं पहले वॉक करी थोड़ा, तब मैं दीपू को बुलाऊँगी। मम्मी और मैं भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, मेरे को अपने लिए लहंगा लेना है कुछ फंक्शन है उसके लिए। एंड बस अभी ऐसा हो रहा है कि क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छा सा मिले ये वो, बहुत सारी चीज़ें होती है लड़कियों के अंदर। तो अभी पार्क जाना तो कैंसिल हो गया क्योंकि हम बाहर ही जा रहे हैं एंड मम्मी का वेट कर रही हूँ, मम्मी अभी तक दिख नहीं रही आएगी। ओके आ गई मम्मी, तो मास्क पहन लेते नहीं तो जुर्माना पड़ जाएगा। मम्मी हाय बोलोगे? हाय गाइस, हाय गाइस। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. हूँ करने फुल Oh
होते नहीं दे तो स्लीपर सैंडल ले लीजिए उसी चप्पल ही यहाँ चले इधर हाँ इधर भी डाल लेंगे ऐसे तो दो तीन पड़े हैं भैया तो शॉपिंग हो गई है, मैंने अपने तो लहंगा ले लिया है एंड मेरे लिए लहंगा लेने ही आए थे बट हमें एक ड्रेस दिख गई तो हमने वो दीपू को ले ली, खुश हो जाएगी वो। तो अभी हम जाते समय पहले मोमोज खा रहे क्योंकि मम्मी का काफ़ी टाइम से मन था मोमोज खाने का, तो सबसे पहले मोमोज मैं मम्मी दिखा रही है कि मैं आपको घर में मिलती हूँ, नहीं तो मम्मी सारे मोमोज खा देगी तो मैं ब्लॉग एंड करूँगी। ठीक है, बाय। इट्स डिनर टाइम गाइज एंड अभी डिनर में बेसिकली मैं कुछ खाती नहीं हूँ बट अगर फ्रूट्स पड़े हो घर में या भाई बाहर से कुछ ले आता है टटर बटर तो वो मैं खा लेती हूँ। तो अभी मैं मेरे पास ग्रेप्स पड़े थे तो मैं ग्रेप्स ले रही हूँ रात में क्योंकि मेरा मन भी कर रहा था, थोड़ा बहुत टाइम से नहीं खाया। एंड मैंने लहंगा खरीद लिया, तो इसकी चुन्नी है ऐसे कलर का लहंगा है, ऐसे येल्लो मतलब मिक्स है बनारसी टाइप में वो है। एंड ये जो लहंगा है ये मुझे पड़ा है सिर्फ 2000 का। एक तो इतना प्यारा कलर था इसका, ऊपर से बनारसी टाइप में ही मुझे चाहिए था और जैसे उसने रेड बोला मैंने तो बोला पैक कर दो। तो ये है, ये चुन्नी इसकी कॉन्ट्रास्ट में है तो चुन्नी अलग कलर की है, ब्लू उसमें ब्लू का कोई फर्क नहीं है बट ये ऐसा जो ये पीच एंड येल्लो में है बनारसी टाइप का। अभी फिटिंग नहीं दे रखा है नहीं तो मैं आपको दिखाती। मैंने लहंगा ले लिया है एंड जो लहंगा मैंने लिया है वो लिया है मैंने अट्टा से सेक्टर 18 नोएडा। मुझे बताया आप में से दो चार लोग पूछेंगे कहाँ से लिया, तो शॉप नेम तो मुझे नहीं पता, बिल में होगा बट बनारसी में आई थिंक इतने मिल जाते होंगे। बहुत ही लाइट है क्योंकि डे का फंक्शन है, दिन में बहुत कम लोग आने वाले हैं इसलिए मैंने हल्का लहंगा लिया। अंजीप को ले बहुत हल्की सी ड्रेस ली है, जिस दिन मैं सूट नहीं करती मेरा दिन ऐसे ही कुछ जाता है, उस दिन मेरा रेस्ट डे होता है बेसिकली। बट अभी ये जो अंगूर खाने के बाद ये अंगूर कुछ नहीं खाते हो तो 8:30 के बाद दीपू और मैं बैडमिंटन खेलते हैं एंड उसके बाद भाई भाभी मैं दीपू हम चारों बैडमिंटन खेलते हैं एंड देन हम मैं भाभी भैया हम तीनों भाभी और मैं बेसिकली 1000 स्कीपिंग करते हैं दोनों के दोनों एंड 1000 ये उससे ज़्यादा अगर टाइम रहता है क्योंकि हमें बाहर भी जाना होता है थोड़ा, तो उसके बाद फिर हम राउंड लगाते हैं करीबन 2 किलोमीटर करीबन वो राउंड रहता है हमारा। तो यस इतना ही में रहता है, आगे हमने गर्म पानी पीना रात का मेरा हमारा है ही मेन कि हमने गर्म पानी पीना ही पीना है। तो इस तरह मैं अपने खाने को डाइजेस्ट करती हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप इतना खाना खाते हो तो आपको फूड डाइजेस्ट हो जाता है, आपके पेट में दर्द नहीं होता? तो अगर खा के मैं पसर जाऊँगी लेट जाऊँगी तो खाना डाइजेस्ट नहीं होने वाला, पेट में दर्द हो गई, इसलिए मैं खाना खा के कभी भी नहीं लेटती हूँ। मतलब खाना खाते ही मेरे पहले मेरा रहता है कि चलना ही चलना है, 15-20 में आधे घंटे मेरे को रहता है कि चलना ही चलना है। उसके बाद अब बैडमिंटन हम खेलते हैं, 1 मंथ हो गया हमें कि मैंने जिम भी छोड़ दिए, 2 नवंबर में मैं लास्ट गई थी भाई की शादी में, उसके बाद मैंने जिम भी छोड़ दिए। तो कुछ तो करना पड़ेगा नहीं तो खाना सारा फैट बन के मतलब शरीर पर लगेगा। मैंने अपना वेट लूज़ नहीं किया है, अभी 2-4 दिन पहले वेट करवाया था अपना तो 1 kg समथिंग नीचे ही था या उतना ही आप मान सकते हो,
बट अभी बड़ा नहीं है भगवान की दया से एंड बड़े भी ना, बट जल्दी मैं जिम ज्वाइन कर लूँगी। अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बिजी भी हूँ मैं, इस वजह से जिम ज्वाइन नहीं कर रही हूँ मैं। जल्दी मैं जिम ज्वाइन कर लूँगी, बट जब तक मैं जिम ज्वाइन नहीं कर लेती यही मेरा शेड्यूल रहने वाला है सारी चीज़ों का, बैडमिंटन एंड ऑल वॉकिंग सारी चीज़ें। तो जल्दी से मैं अंगूर खा लेती एंड देन बिफोर मैंने, क्योंकि टाइम हो गया है, दीपू की पढ़ाई भी हो चुकी है तो दीपू और मैंने बैडमिंटन खेलने जाना है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ इस चैनल पे भी, जैसे फूडी जेडी में रहती हूँ। एंड अगर आपने फूडी जेडी और फूडी जेडी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम और बड़ी फैमिली बन सके। एंड हाँ, आपको होम टूर चाहिए इस फूडी जेडी ब्लॉग्स में, जैसे ही 100K होगा ना, प्रॉमिस 100K होगा ना, मैं आपको होम टूर दे दूंगी पक्का, आई प्रॉमिस। ओके, तो अभी मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कर देना एंड बाय बाय बोलना तेरे को।